लोकसभा चुनावों को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों में तो जंग मची ही हुई है। दूसरे राज्यों में लड़ रहे कई नेता अभिनेता अब मुंबई से चुनाव लड़ने की कोशिशों में जुट गए हैं। इनमें क्रिकेटर अजहरुद्दीन, नगमा, राजबब्बर के नाम सामने आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। अजहरुद्दीन, नगमा, राजबब्बर, इन सितारों की नजरें मुंबई की लोकसभा सीट पर है। इसके लिए ये सितारे अपने राज्य छोड़कर मुंबई का रुख कर रहे हैं, जिससे इनकी शूटिंग और राजनीति दोनों साथ साथ चलती रहे। ये दो सीटें मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ वेस्ट की हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट, इस सीट पर बीजेपी की पूनम महाजन ने कांग्रेस की प्रिया दत्त को हराया था। अब तक की चुनावी हलचल के मुताबिक प्रिया दत्त चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, इसीलिए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बड़े नेताओं से संपर्क में है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर कांग्रेस के गुरुदास कामत चुनाव लड़ते थे। पिछले चुनाव में शिवसेना के गजानन कीर्तिकर ने गुरुदास कामत को हराया था। अभिनेता राज बब्बर और नगमा की निगाहें इस सीट पर है। दरअसल इन सितारों के मुंबई से चुनाव लड़ने से जहां वो अपनी इंडस्ट्री से जुड़े रहते हैं, वहीं अपने संसदीय क्षेत्र में भी संपर्क में रहते हैं। इन सितारों के मुंबई से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर संजय निरुपम ने कहा, सभी नेताओं की अपनी अपनी इच्छा होती है। मुझे भी उड़ती उड़ती खबर मिली है कि अजहरुद्दीन और राज बब्बर मुंबई से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर ये पार्टी आलाकमान तय करेगा। ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में कौन कहां से लड़ेगा, इसका फैसला AICC के स्तर पर दिल्ली में होता है और जो आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी अंतिम मुहर लगाएंगे। तो जो भी डिसीजन होना है वो वहां होना है। और इस बीच जब चुनाव आते हैं तो लोगों के अंदर अपनी अपनी इच्छाएं जगती है, इसमें कहीं से कुछ गलत बात नहीं है। फैसला पार्टी को करना और जो फैसला पार्टी का होगा उसको स्वीकार करना चाहिए। मुंबई में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 और NCP ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था, पर मुंबई की सभी 6 की 6 सीटें बीजेपी और शिवसेना ने जीती थी। पिछले चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी को 3 और शिवसेना को 3 सीटें मिली थी। इस बार मुंबई की 2 प्रमुख सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, जहां कांग्रेस अच्छी लड़ाई में है। हालांकि मुंबई की इन 2 सीटों पर मुंबई के नेता भी दावा ठोक रहे हैं। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से खुद संजय निरुपम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस उत्तर मुंबई की सीट से संजय निरुपम लड़े थे उन्हें करीब 4,40,000 वोट से हारना पड़ा था। इस सीट पर पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह दावेदारी कर रहे हैं। अपनी इच्छा साउथ बॉम्बे में जाहिर नहीं कर सकता, वहाँ मिलिंद देवरा ऑलरेडी है, चुनाव हार गए, क्या मैं भी चुनाव हारा हूँ। एकनाथ गायकवाड़ है साउथ सेंट्रल, कर नहीं सकता। प्रिया दत्त है नॉर्थ सेंट्रल, वहाँ कर नहीं सकता। संजय निरुपम उत्तर में, वहाँ कर नहीं सकता। चूंकि गुरुदास कामत जी के न रहने से एक इच्छा जरूर मैंने जाहिर की है, ये इच्छा हमारी है। पार्टी तय करेगी किसको उम्मीदवारी देनी है, लेकिन मेरी इच्छा 2009 से चली आ रही है। वहीं मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट पर प्रिया दत्त के न लड़ने से इसी लोकसभा में आने वाले चांदीवली सीट से 5 बार के विधायक नसीम खान भी रेस में है। इस सीट का जातीय समीकरण भी समझ लीजिए। इस सीट पर मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी बड़ी संख्या में है, इसीलिए सीट पर अजहरुद्दीन और नगमा किस्मत आजमाना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे नेता हैं जो अपने अपनी तरह से अलग अलग अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक हो सकते हैं। मुझे इस तरह की कोई जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन जो भी इच्छुक होंगे उनका निर्णय आने वाले दिनों में, जो राजनीतिक तौर पर पार्टी के भीतर जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है, वो जब शुरू होगी तब साफ पता चलेगा कि कौन कहाँ से लड़ना चाहता है और उसका सारा निर्णय कांग्रेस की जो चुनाव समिति होती है वो चुनाव समिति निर्णय लेगी। एक तरफ कांग्रेस की सीट पर सितारे चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अगर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन नहीं होता है तो मुंबई की 3 सीटों पर भाजपा भी किसी बड़े सितारे को चेहरा बना सकती है। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है, राजनीतिक पार्टियां गठबंधन महागठबंधन के मीटिंग के दौर से गुजर रही हैं, तो वहीं पर जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें उनकी पसंदीदा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिले। कैमरामैन नारायण परमार के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मुंबई। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।